अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको चिकन फिलेट बर्गर की रेसिपी दूंगी। हम चिकन के फिलेट बनाएंगे और इनको मैरिनेट करेंगे, फिर इनको हम फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें अपने बर्गर की ड्रेसिंग लगा के और इन बंस के अंदर हम पेश करेंगे, राइट। सबसे पहले हम चिकन के फ्लैट बनाएंगे। फ्लैट मीन्स आप एक चिकन का ब्रेस्ट लें और उसके इस तरह के आप पीसेस काट लें, जिस तरह के पसंदे होते हैं। तो हम अपने बर्गर के साइज़ के लेंगे। अब हम जब इसको हम फ्लैट करेंगे तो ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा, इसलिए इनको फ्लैट कहते हैं। ये देखिए मैंने इतने पतले, ज़्यादा थिन भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, ठीक है। ये लेंगे, ये मेरे पास गैजेट है, इसकी मदद से मैं इनको फ्लैट कर लूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो किसी भी छुरी की मदद से या बेलन की मदद से आप इसको इस तरह करके और इस तरह आप कर सकती हैं। अच्छा, उसके लिए मैंने ये ली है चिकन, जो है ये 1 kg चिकन है, 2 ब्रेस्ट हैं चिकन के जिनके फ्लैट मैंने काटे हैं। आप अपने बर्गर के हिसाब से इसका साइज़ बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। और मसालों में जाएगा जनाब, ये स्टेक मसाला है, बाज़ार में आराम से किसी भी ब्रांड का आप ले लें स्टेक मसाला, ये मिल जाता है। ऑयल इसमें जाएगा, ये चीज़ें डाल के हम इनको 1-2 घंटा मैरिनेट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इनको फ्लैट करेंगे इस गैजेट की मदद से। इससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट रहेंगे, जैसे चिकन जो होती है वो ड्राई होती है तो फ्लैट जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और साइज़ में डबल भी हो जाएंगे। ये गैजेट रखा करें, बड़े काम की चीज़ है ये। आप इससे मीट के भी स्टेक बना सकते हैं, बीफ के। देखिए ये फ्लैट हमने अपने फ्लैट कर लिए। अब हम इसके अंदर ये 4 टेबल स्पून मैंने स्टेक या चॉप्स मसाला मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं। ये ज़्यादा आपको डालना होगा क्योंकि बर्गर के अंदर स्पाइसी फ्लेवर अच्छा लगता है। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा, इससे सॉफ्ट रहेंगे। ये करके हम इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि हमने जो इनको फ्लैट किया है उसके अंदर तक इसका मसाला जो है इन्हेंस हो जाए, टेस्ट अच्छा आए इसका, राइट। ये करके हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसे एटलीस्ट आप 2 घंटे तो आप इसको लाजमी रखेंगे, राइट। अगर आप चाहें, अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें क्रश करके भी डाल सकती हैं। पैन के अंदर ऑयल लिया है, हमें सिर्फ ऑयल इतना चाहिए कि हमारे दोनों तरफ से हमारे जो फ्लैट्स हैं चिकन फ्लैट्स ये पक जाएं, अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। ये हम ऐसे एक एक करके उठाएंगे और इसको हम स्लो हीट पर हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए ये हमारे प्लेट तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, किसी भी प्लेटर में आप निकाल लें और फिर हम इसे असेंबल करेंगे अपने बर्गर के साथ। इनको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, जिस तरह से बर्गर को सेका जाता है। मैं किचन टॉवल लगाना भूल गई थी, मैं किचन टॉवल से इनको जो है साफ करूँगी और फिर मैं इसको बर्गर में लगाऊँगी, राइट। देखिए ये हमने अपने बंस को दोनों साइड से जो है सेक लिया है। अब हम इनका जो है नीचे का हिस्सा पहले रखेंगे, पर जो मैंने आपको बताया था मेयोनीज हमने ली है, ये मेयोनीज हम इस पर लगाएंगे,
और स्प्रेड कर देंगे बंस के ऊपर। टॉप अलग रखिएगा बंस के और जो बॉटम वाला साइड है उस पर आप सारी ड्रेसिंग करेंगे। आप चाहें तो ये जो मैंने रॉ वेजिटेबल्स ली हैं आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, मगर बच्चे पसंद करते हैं तो मैंने इसलिए ले ली। इसके साथ हमें चाहिए जनाब चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस लेंगे हम। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, अगर आपके बच्चे केचप पसंद करते हैं आप केचप लगा दें, स्प्रेड कर दें। अब हम इसके ऊपर रखेंगे जनाब अपनी फ्लैट, ये हम इस पर रखेंगे। थोड़ी सी हम इस पर वेजिटेबल्स डालेंगे, अपने बन के साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। वेजिटेबल्स हैं, प्याज ले लें, खीरा ले लें, जो अवेलेबल हो घर में आप बच्चों को लंच के तौर पे बना के दे सकती हैं लंच बॉक्स के लिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। एक टोमेटो का पीस लास्मी लगाया करें, ये विटामिन सी होता है इसमें, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये कर दिया जनाब, अब हम इनके ऊपर इनके टॉप्स लगा दें। ये देखें हमारा जो है चिकन फिलेट बर्गर रेडी है, राइट। देखें ये हमारे चिकन फिलेट बर्गर अब रेडी हैं, देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बच्चे इसे बड़े शौक से खाएंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, और हम इसको आपको सर्व करने का तरीका बताएंगे। आप इस तरह देंगे ताकि अंदर से सब्ज़ी और जो कलर्स नज़र आते हैं ना, ये बड़े अपीलिंग होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं, तो आप इस तरह दीजिएगा कि बच्चों को देखते ही भूख लग जाए, राइट। ये देखिए ये हमारे चिकन फ्लैट बर्गर हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।